नागपुर अपराध शाखा की एंटी नारकोटिक सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार और मंगलवार को दो अलग अलग घटनाओं में चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और लगभग 26 लाख कीमत का 97 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों से दो कार जब्त की। जब्त गांजे तथा कारों की कुल कीमत 26 लाख बताई जा रही है। पहली घटना में एनडीपीएस शाखा को 7 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति सुनील मलावी और सोहिल खान नागपुर के छिंदवाड़ा कार की डिक्की में गांजा भरकर ले जा रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर एनडीपीएस दस्ते ने कोराड़ी रोड पर रेमेडिसिया अस्पताल के पास जाल बिछाकर कार को रोका और जांच के दौरान उसमें से 45 किलो गांजा सहित दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान ये जानकारी सामने आई कि दोनों आरोपियों ने यह गांजा ओम नगर भरतवाड़ा निवासी नरेश उर्फ पप्पू जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव से लिया था। हालांकि पप्पू फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। माननीय पुलिस आयुक्त नागपुर शहर यांनी ड्रग फ्री नागपुर सिटी ही संकल्पना राबवण्याचे निर्देश दिले होते, त्या अनुषंगाने एनडीपीएस सेल हे सतत कारवाई करत आहे। आम्ही दिनांक 7 जून रोजी मानकापूर पोलीस स्टेशन हद्दीत एक कारवाई केली आहे। त्या कारवाईमध्ये आम्ही 35 किलो गांजा पकडलेला आहे, तसेच दोन आरोपी अटक करण्यात आलेले आहे। आरोपी सोहिल खान हा छिंदवाड़ाचा असून दुसरा आरोपी सुनील मालवी हा सुद्धा छिंदवाड़ाचाच आहे। दोन्ही आरोपी PCR मध्ये आहेत, त्यासंबंधी तपास सुरू आहे। त्यानंतर आम्ही 8 जूनला 62 किलो गांजा पकडलेला आहे, त्याबाबत कळमना पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे। दोन्ही आरोपी कस्टडीमध्ये आहे। आरोपी हे अजित सिंग आणि दिलीप कुमार शहा असे आहेत। आरोपी हे महाराष्ट्रातले नाहीत, त्यांच्या संबंधी आपण अधिक तपास करत आहोत। वही दुसरी घटना में एनडीपीएस के अधिकारियों को 8 जून को गुप्त जानकारी मिली कि अजित सिंह, राकेश सिंह और दिलीप कुमार शाह बहादुर शाह को हिरासत में लिया और जब उनकी कार की तलाशी ली तो उनकी कार की डिक्की से 9,40,000 रुपए का 63 किलो गांजा मिला। कार और गांजा समेत पुलिस ने दोनों आरोपियों से कुल 14,48,970 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।